हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिंप्लीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। द एड्रेस, ये हमारे चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, जो कि क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 2 है और जिसके जो राइटर हैं मार्गा मिंको हैं। तो आज हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड, कि आखिर में ऑथर ने क्या डिसाइड किया। तो राइट ऑप्शन होगा टू फॉरगेट द एड्रेस, कि उसने यही डिसाइड किया कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाएगी, क्योंकि ये एड्रेस उसकी माँ ने उनको दिया था और इस एड्रेस से उनकी बहुत ही कड़वी यादें जुड़ चुकी थी। तो इसलिए लास्ट में उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वॉज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोसेशंस दैट द नरेटर कुड रिकोगनाइज। पोसेशंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई पोशाक या कोई ड्रेस। तो कौन सा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था उनकी माँ की याद का, जो कि नरेटर के सामने रिकॉग्नाइज हुआ, जिसको कि नरेटर ने पहचान लिया। तो राइट ऑप्शन होगा ग्रीन निटेड कार्डिगन, कि जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है, डोरबेल बजाती है, तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा खोलती हैं। तो दरवाज़ा खोलते ही वो क्या देखती हैं कि उन्होंने उनकी माँ का हरे रंग का एक वूलन का कार्डिगन डाला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉज द ऑथर कन्विंस्ड विद हर मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग मिसिज डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स, कि क्या जो ऑथर है कन्विंस्ड हो जाती है अपनी माँ के इस आइडिया से कि मिसेज डॉर्लिंग उनके घर से उनकी चीज़ों को लेकर अपने घर जा रही है। तो राइट ऑप्शन होगा पार्शली। जो ऑथर होती हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होती हैं और वो कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि मिसेस डॉर्लिंग अपनी बातों से मुकर भी सकती हैं, उन्हें चीट कर सकती हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा कन्विंस्ड होती है और थोड़ा सा वो कन्विंस्ड नहीं होती हैं अपनी माँ की साइडिये पर कि मिसेस डॉर्लिंग को उनके घर के सारे कीमती सामान को दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, वट डज ऑथर मीन बाय दिस। तो ऑथर का इस बात से क्या मतलब है कि मैं रूम में थी, मैं जानती हूँ लेकिन मैं नहीं जानती। तो इसका मतलब है शी सॉ फेमिलियर थिंग्स बट इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। जब वो रूम के अंदर जाती हैं, और ये रूम किसका है, मिसेस डॉर्लिंग का है, तो वहाँ पर वो जो चीज़ें रखी होती हैं उनसे तो वो फेमिलियर होती है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनकी खुद की होती हैं, उनकी माँ की यादें होती हैं। लेकिन वो सब किस माहौल में पड़ी हुई है, बड़े ही अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वहाँ का माहौल उन्हें बड़ा ही अजीब लगता है, बड़ा ही अस्वस्थ सा लगता है और बड़ा गंदा सा माहौल वहाँ पर होता है, सीलन की स्मेल आ रही होती है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा शी सॉ फेमिलियर थिंग्स बट इन अनफेमिलियर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शंस व्हेन शी एंटर द लिविंग रूम, कि जब जो नरेटर है वो लिविंग रूम में एंटर करती हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है। तो राइट ऑप्शन होगा हॉरिफाइड, वो थोड़ा सा डरी हुई होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो होता है, उनके घर का जो एटमोसफेयर होता है, वो बड़ा ही अजीब होता है, बड़ा ही स्ट्रेंज होता है। तो जिसकी वजह से जो नरेटर है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डरी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मिसेस डॉर्लिंग्स वॉज डैश ऑफ मिसेस एस, की जो मिसेस डॉर्लिंग है वो मिसेस एस की क्या थी। तो राइट ऑप्शन होगा एन ओल्ड एक्विटेंस। एक्विटेंस का मतलब होता है कोई जान पहचान वाला। तो मिसेस डॉर्लिंग्स जो थी वो मिसेस एस की पुरानी जान पहचान वाली एक लेडी थी। और मिसेस एस कौन है, ये नरेटर की माँ है। और नरेटर कौन है, नरेटर है हमारी मार्गा मिंको। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम, कि ऑथर ने क्या कंडीशन लिविंग रूम के अंदर पाई। तो राइट ऑप्शन होगा अफाजैट की। अफाजैट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित सा होना, बहुत ही ज़्यादा बेतरतीब वहाँ का माहौल था, चीज़ें इधर से उधर रखी हुई थी और बड़ा ही गंदे तरीके से रखी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वॉज द सिल्वर दैट द ऑथर वॉज वंस आस्क टू क्लीन बाय हर मदर, कि वो कौन सा सिल्वर था, वो कौन सी चांदी थी जो उसकी माँ ने ऑथर को एक बार साफ करने के लिए दी थी, उनको कहा था कि उसको साफ़ कर दें। तो राइट ऑप्शन होगा कटलरी, कि उनके पास कटलरी का एक सिल्वर सेट था और जिसको साफ़ करने के लिए उनकी माँ ने उन्हें कहा था। और कटलरी सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, कटलरी सेट होता है जिसमें कि फोक होते हैं, स्पून्स होते हैं और नाइफ होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कटलरी सेट। तो उनके पास ये जो कटलरी सेट था वो चांदी का था।
क्वेश्चन नंबर 9th है, व्हाट वॉज द एड्रेस दैट द ऑथर्स मदर आस्क्ड हर टू रिमेम्बर, कि वो कौन सा एड्रेस था जिसे ऑथर की माँ ने याद रखने के लिए कहा था। तो राइट ऑप्शन होगा नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, कि ये वो नंबर था जो कि हॉलैंड में मिसेस डॉर्लिंग का नंबर था और उनकी माँ ने कहा था कि इस एड्रेस को याद रखना और जैसे ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो तुम इस एड्रेस पर जाना और अपने कीमती सामान को वहाँ से वापस लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 10th है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस, की ऑथर के अकॉर्डिंग वो कौन सा टाइम होता है जब हम नोटिस करते हैं अपने घर की कुछ चीज़ों की तरफ। तो राइट ऑप्शन होगा व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, कि हम अपने घर में लगी हुई चीज़ों को तभी नोटिस करते हैं जब वो हमारी नज़रों से दूर हो जाती है, वो चीज़ घर से मिसिंग हो जाती है, तब हमें पता लगता है कि ये चीज़ हमारे घर में थी वो कहाँ है, और उसी वक्त हम अपने घर की चीज़ों को स्पेशली नोटिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट्स लॉस देयर वैल्यू फॉर द ऑथर, कि जो जितनी भी चीज़ें थी इन्होंने ऑथर की नज़र में अपनी वैल्यू क्यों खो दी थी। तो राइट ऑप्शन होगा बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, क्योंकि उसने इन सारी चीज़ों को एक अलग ही माहौल में देखा था, जो चीज़ें उसकी थी उसकी माँ की यादों से जुड़ी थी, लेकिन अब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे थी और बड़े ही गंदे तरीके से इधर उधर रखी हुई थी, उनके घर का माहौल बड़ा गंदा था और वहाँ पर उनकी वो चीज़ें यूज़ हो रही थी, तो अब उनको देख कर उसे ये नहीं लगा कि उसकी माँ की यादें हैं, बल्कि उनको देख कर उसे ये लगा कि अब तो इसमें मिसेस डॉर्लिंग की यादें बस गई हैं, तो इसी वजह से सारी चीज़ों वैल्यू खो दी ऑथर की नजरों में और वो उन्हें वहीं पर छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 12th है, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर, कि मिसेस डॉर्लिंग ने ऑथर के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जब ऑथर वहां पर आई। तो राइट ऑप्शन होगा कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, कि मिसेस डॉर्लिंग ने उनके साथ बहुत ही ठंडा व्यवहार किया और उसके साथ साथ उनके साथ बहुत बदतमीजी करी, मेहमान नवाजी तो दूर की बात, उनको ढंग से बात भी नहीं करी और उनको कहा कि वो यहाँ से चली जाए और इसके बाद फिर वो कभी यहाँ पर लौट कर ना आए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग, कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद द एड्रेस आप मिसेस डॉर्लिंग को किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो ऊपर लिखी सारी क्वालिटीज़ हैं ये मिसेस डॉर्लिंग में है। स्टूडेंट्स, एक तो वो मेटलिस्टिक थी और उसके साथ साथ चालाक थी। मेटलिस्टिक का मतलब होता है कि भौतिक चीज़ों की तरफ, पैसे की तरफ, धन दौलत की तरफ, कीमती चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाना, और उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा चालाक भी थी, सेल्फिश भी थी, वो स्वार्थी थी और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिस्ट भी थी। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है कि अवसरवादी होना, कि अवसर का फ़ायदा उठाना, और उन्होंने यही तो किया था। उन्होंने मिसेस एस को ये विश्वास दिलाया कि युद्ध में उनका सामान लूट लिया जाएगा, बेहतर है वो उन्हें दे दें, वो अपने घर में उन्हें सेफ रखेंगी और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वो अकेले वापस ले सकती हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने उनके सारे कीमती सामान को लूट लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस, कि द एड्रेस के ऑथर कौन है। तो राइट ऑप्शन होगा मार्गा मिंको, कि जो मार्गा मिंको है ये इस द एड्रेस चैप्टर की ऑथर है और इसी के साथ साथ वो इस चैप्टर की नरेटर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन हु इज हर, कि उनके फेस पर जान पहचान का कोई ऐसा साइन नहीं आया कि उन्होंने कुछ पहचाना हो और ये यहाँ पर हर कौन है। तो हर है यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग, क्योंकि जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर जाती हैं, डोरबेल बजाती हैं, तो वो जब दरवाज़ा खोलती हैं तो वो अपने फेस पर किसी भी तरीके का इस तरीके का साइन नहीं आने देती कि उन्होंने नरेटर को पहचान लिया है, बल्कि वो अनजान बनी रहती हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि वो उन्हें पहचान जाती हैं, लेकिन वो डरती हैं कि उन्हें उनकी कीमती चीज़ें अब कहीं वापस ना करनी पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन टोटल हाउ मैनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस, कि जो एड्रेस ऑथर को दिया गया था उनकी माँ के द्वारा, तो इस एड्रेस पे वो टोटल कितनी बार गई। तो राइट ऑप्शन होगा ट्वाइस, कि वो दो बार जाती हैं। पहली बार जब जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग उनको दरवाजे से ही वापस कर देती हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, लेकिन जब वो दूसरे टाइम जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग की 15 साल की बेटी दरवाज़ा खोलती है और वो उनको अंदर लेकर जाती है और उसका वेलकम भी करती है। तो वो टोटल दो बार उस एड्रेस पर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट, की जो चैप्टर है द एड्रेस, ये क्या मैसेज को कन्वे करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ह्यूमन
प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर, कि जो ह्यूमंस की जो स्थिति होती है युद्ध में उसको ये उजागर करता है। ऐसा ही होता है कि जब भी लड़ाई होती है तो किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक देश के लोगों को या किसी एक धर्म विशेष के लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। और ओवरऑल मिलाकर क्या होता है कि इसमें इंसान ही पिसता है और इंसान की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो यही मैसेज हमें ये चैप्टर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन वट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेज डॉर्लिंग। राइट ऑप्शन होगा ऑथर्स मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, कि जब उन्होंने मिसेज डॉर्लिंग को देखा तो ऑथर की जो माँ का ग्रीन निटेड कार्डिगन था वूलन का बड़ा प्यारा सा, जिसमें कि वुडन के बटन्स लगे हुए थे, तो मिसेज डॉर्लिंग जो थी वो उसी कार्डिगन को पहने हुए थी। तो मिसेज डॉर्लिंग को उन्होंने इसी चीज़ को पहने हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग डैश द वॉर, कि जो ऑथर है मिसेज डॉर्लिंग के घर पर कब विजिट करने गई। तो राइट ऑप्शन होगा आफ्टर द वॉर, कि जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ विजिट करने के लिए जाती है। ड्यूरिंग द वॉर नहीं, ना वॉर से पहले जाती ना ड्यूरिंग द वॉर जाती, बल्कि वॉर ख़त्म होने के बाद वो उनके घर पर विजिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, वाई डज मिसेज डॉर्लिंग से दैट दिस, कि मिसेज डॉर्लिंग ने ये क्यों कहा कि मुझे लगा कि तो कोई भी वापस नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन होगा बिकॉज शी थॉट्स एवरी वन इन द नरेटर्स फैमिली वर डेड, क्योंकि वो ये समझती है कि नरेटर की जो फैमिली के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मर चुके हैं लड़ाई में और अब उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। तो इसी वजह से वो ये बात बोलती हैं कि आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द एड्रेस, की द एड्रेस की नरेटर कौन है। तो राइट ऑप्शन होगा मिसेस एस डॉटर, तो जो मिसेस एस की डॉटर है वही द एड्रेस की नरेटर भी है और वही द एड्रेस चैप्टर की राइटर भी है और ये मिसेस एस की बेटी भी हैं। तो मार्गा मिंको जो है वो मिसेस एस की डॉटर है और वही द एड्रेस चैप्टर की नरेटर है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उम्मीद है अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके हिट पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।